फकीरा का सैल्यूट सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स को, और जो पहली बार इस वीडियो के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। अभी मतलब काफ़ी दिनों से मैं नहीं था, ऑलमोस्ट 60 दिन, 2 महीने हो गए मुझे कैमरा इस तरीके से हाथ में पकड़ के। अभी मैं जिस जगह हूँ ये है कोटा। एक ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ, ये है 7 वंडर्स पार्क, काफ़ी खूबसूरत सा पार्क है। एक छोटा सा टेंपल भी है, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये है तालाब, इसके बीच में एक महल है, उसको हम लोग बोलते हैं, उधर आगे है जल महल। अब बात करते हैं थोड़ी मुद्दे की। ये जो वीडियो है ये मेरी जो सिचुएशन थी उसके बारे में नहीं है, बस छोटा सा आपको अपडेट दे दूंगा। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये लद्दाख से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे हैं, उनके जवाबों के लिए। पहला सवाल कि इस सीज़न लद्दाख राइड के बारे में क्या पोजीशन है। तो दोस्तों मेरी तरफ से अगर मैं देखा जाए ना, तो जो पिछले साल जैसा 2 साल में हुआ है कि कोरोना की जो भी सिचुएशन होती है उसकी वजह से थोड़ा सा हैंग ऑन हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अगर कुछ नहीं होने वाला है जैसा कि लग रहा है, तो डेफिनेटली 17 जून को हम लोग ये राइड निकालेंगे दिल्ली से। अगर बात करें मेरी, तो मैं कोटा में इसलिए हूँ क्योंकि मेरा एक इलाज जो है वो चल रहा है, और उसके ऊपर मैं एक पूरा एक वीडियो बनाऊंगा। अभी थोड़ा सा एकदम फिट जो होता है ना, क्लीन चिट मिल जाए, तो क्लीन चिट होने के बाद में मैं ऐसा कुछ वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर एक पूरा ऐसा कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ किस तरह का सिनेरियो है, किस तरह से ये लोग ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं, किस तरीके से क्या क्या करते हैं, विद एविडेंस पूरा वीडियो मैं आपको बनाऊँगा। क्योंकि पंगा तो उन्होंने गलत ले लिया था, और मैं आपके सामने ठीक ठीक बैठा हूँ, उन्होंने बोला था कि 10 दिन में खेल ख़राब हो जाएगा, फलाना फलाना चीज़ें मुझे करनी चाहिए, अगर नहीं की तो सब ख़त्म। एनीवे मैं ठीक हूँ, और बहुत जल्दी मतलब रिकवरी ठीक ठीक हो रही है, तो वो वीडियो मैं बनाऊँगा कंप्लीट, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम है। इस वीडियो की अगर बात करें तो ये वीडियो जो है ये है हमारे राइड के लिए, लद्दाख राइड। दोस्तों एज इट इज़ हम लोग 17 जून को निकलेंगे, लेकिन मुंबई से जो निकलने की डेट है वो है 14 जून। ऑफिशियल जो राइड का स्टार्टिंग होगा वो होगा 17 जून दिल्ली से, और 14 दिन का पूरा सर्किट राइड है, कंप्लीट सर्किट राइड, जिसमें आप कश्मीर भी इंजॉय करते हैं, जिसमें आप लद्दाख भी इंजॉय करते हो, जिसमें आप हिमाचल भी इंजॉय करते हो, और पंजाब साइड होते हुए दोबारा हम लोग दिल्ली आ जाते हैं। तो फकीरा राइडर्स के साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं ये हमारा एडवेंचर सिग्नेचर राइड जो होगा 17 जून 2022 को। अगर बात करें बुकिंग्स की, तो बुकिंग्स ओपन है, बिल्कुल भी हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बुकिंग्स जो हैं वो करा सकते हैं, अपनी जो सीट है वो रिज़र्व करा सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ राइड कर रहे हैं तो एसयूवी कार्स भी इसमें रहेंगी, बहुत सारी एसयूवी कार्स रहेंगी, तो आप एसयूवी में भी अपनी सीट बुक करा सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेरा एक ही नंबर है जो आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो में फ्लैश होता रहेगा, तो उस नंबर के ऊपर आपको कॉन्टैक्ट करना है। मेरा नाम रख के काफ़ी लोग अप्रोच करते हैं लोगों से, तो प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, जो नंबर मैं अपने वीडियो के अंदर डाल रहा हूँ वही नंबर जो है वो फाइनल रहेगा, और वो नंबर जो है आपको पता ही है 9820666688। ये जो इस बार का राइड है इसके अंदर एक पॉइंट हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, वो आइधर या तो सियाचिन बेस कैंप रहेगा जो मैं मेरे वीडियोस में लास्ट में आपने देखा होगा, या फिर तुरतुक रहेगा। एक पॉइंट हम लोग एडिशनल इसमें ऐड करने वाले हैं इस राइड के अंदर। बाकी जो आइटनरी है वो आपको पता ही है, पूरा जो लद्दाख सर्किट है इसको अगर आप आइटनरी को कर लेते हैं तो आपको लद्दाख को मतलब अगर आपका दिल जैसे बोलता है ना, तो आपका लद्दाख पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कुछ देखने के लिए ऐसा कुछ बच नहीं जाता है। उसमें आपको सबसे हाईएस्ट जो रेगिस्तान है वो भी देखने को मिलता है, पैंगोंग जो लेक है वो भी देखने को मिलती है, मतलब हर चीज़ डल लेक से लेके पैंगोंग लेक, पैंगोंग लेक से फिर अब नुब्रा, खारदुंगला, नामिकला, जॉजिला, सब आपको देखने को मिलता है, अटल टनल, हर चीज़ इसमें आपको देखने को मिलेगी जो भी उस जो भी रीजन में आती है, और बहुत सही तरीके से जोग्राफिकली ये जो आइटनरी है उसको कनेक्ट कर दिए। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो सोचिए मत, झिझकिए मत, जहाँ तक जब तक सीट्स हैं तो आप बुक कर सकते हैं। सीट्स अभी इसलिए अवेलेबल हैं थोड़ी बहुत क्योंकि मैंने 60 डेज़ का गैप कर दिया है, 60 दिन से अब मेरे चैनल पर कुछ भी नहीं था, लोग भी अभी बहुत कम हो गए होंगे, कहीं भूल ना जाएँ मुझे क्योंकि होता है ना, यहाँ लोग बड़े बड़े लोगों को भी भूल जाते हैं, मैं तो मामूली सा इंसान हूँ। नहीं एनीवे कोई हर्जे वाली बात नहीं है, मैं अपना काम जो है वो करता रहूँगा, और हम ऐसे ही घूमते रहेंगे, ऐसे ही ट्रैवल करते रहेंगे जब तक ज़िंदगी है, मतलब ज़िंदगी में ट्रैवल बना रहेगा जब तक है तब तक। अगर राइड से जुड़े हुए पैकेजेस की बात करें तो बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ। जो स्टार्टिंग पैकेज है वो है स्टैंडर्ड पैकेज।
स्टैंडर्ड पैकेज का जो फंडा है वो ये है कि जिनके पास खुद की बाइक होती है और वो खुद की बाइक से उस तरीके के माउंटेंस पे जाना चाहते हैं, मतलब एक याद बनाना चाहते हैं अपनी बाइक के साथ में और बाइक चलाने में कंफर्टेबल होते हैं, तो उनके लिए है पैकेज, स्टैंडर्ड पैकेज, जिसके अंदर मतलब जो कंपनी है उसकी तरफ से आपको जो प्रोवाइड होता है वो होता है होटल्स और कैंप का स्टे, फूड सुबह का नाश्ता, शाम का डिनर हमारी तरफ से होता है, सामान आपको बैकअप व्हीकल के अंदर रखना होता है, अपनी बाइक के ऊपर सामान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैकेनिकल सपोर्ट होता है, डॉक्टर्स का सपोर्ट होता है, अगर किसी तरह से इफ एंड बट होता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स और छोटी मोटी इमरजेंसी होती है वो हम कवर कर सकते हैं, परमिट्स वगैरह जो होते हैं वो भी इसमें कवर होते हैं, अगर इफ एंड बट होता है मतलब अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे हर्डल्स आ रहे हैं जहाँ पे बाइक नहीं निकाली जा सकती है, तो जो मेरे लड़के होते हैं मतलब जो क्रू हमारा रहता है तो वो क्रू के जो लड़के होते हैं वो बाइक्स आपको निकाल के देंगे, तो स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर मतलब टोटली एक जिनके पास खुद की बाइक है और खुद की बाइक से ट्रैवल करना चाहते हैं बेसिक फंडा वही है, तो सारी चीज़ें कवर करते हुए हमने ये स्टैंडर्ड पैकेज जो है उसको डिज़ाइन किया है। दूसरे नंबर का जो पैकेज है वो है सिग्नेचर पैकेज। सिग्नेचर पैकेज का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ ज़्यादा एडवांस है, वो सिर्फ उसमें इतना सा हेर फदल है कि जिनके पास बाइक नहीं है जो अदर कंट्रीज़ से आते हैं या जो बाइकर प्रॉपर बाइकर नहीं है लेकिन उनके पास बाइक उन्होंने खुद नहीं रखी हुई है, तो उनके लिए बाइक जो होती है वो हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। तो बाइक जो होती हैं वो एकदम ऑलमोस्ट न्यू टाइप बाइक होती हैं, अच्छी कंडीशंस की बाइक होती हैं, तो बाइक के लिए आपको सोचने की झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बाइक की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी होती हैं, तो आप दिल्ली से आपको ये बाइक्स मिल जाएंगी, तो दिल्ली से आप पूरा जो सर्किट है वो करके आप चंडीगढ़ छोड़ना चाहे चंडीगढ़ छोड़ सकते हैं, मनाली छोड़ सकते हैं, दिल्ली छोड़ सकते हैं बाइक्स को, तो कोई इशू नहीं है, आप जहाँ चाहें वहाँ उसको ड्रॉप कर सकते हैं, तो बाइक्स उसमें हमारी तरफ से होती है, बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी होती हैं। एक अगला जो पैकेज है वो है कपल पैकेज। कपल पैकेज का मतलब ये होता है कि आइदर हस्बैंड वाइफ हैं या जो भी मतलब किसी भी तरह का कोई रिलेशन है, दो लड़के ही हैं अगर, दोनों दोस्त हैं, दोनों ट्रैवल करना चाहते हैं, तो वो दो लोगों के लिए जो है उसको हम लोग कपल पैकेज बोलते हैं। इसका मतलब दो पर्सन है, तो दो पर्सन जो होता है उसको उन दोनों का अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहें तो स्टैंडर्ड पैकेज दो हो जाते हैं और एक बाइक का पैकेज हो जाता है, तो उन सबकी कॉस्ट मिला के एक जो हमने पैकेज बना रखा है वो कपल पैकेज है। साथ में SUV पैकेज रहता है। SUV पैकेज आप जो भी आप आइटनरी मेरे से मंगाएंगे तो मैं आपको दूंगा। जो SUV पैकेज है उसके अंदर जो सिंपल सा फंडा है वो सिर्फ इतना होता है कि SUV कार्स के अंदर उसमें आपको सीट मिलती है और वो सीट जो है ये SUV के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं। जो फैमिलीज़ के साथ ट्रैवल करते हैं और जिनको लद्दाख देखना है और बाइक चलाने में अनकम्फर्टेबल है, तो जो SUV पैकेज का फंडा है वो मैंने आपको बताया। कुछ बाइकर्स भी होते हैं जो अपनी वाइफ्स के साथ में या बच्चों के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बाइक आप खुद चला सकते हैं, उनको आप SUV जो गाड़ियां होती हैं उनके अंदर आप सीट बुक करके रिजर्व करके उनको लद्दाख पूरा का पूरा एंजॉय करवा सकता है। तो ये होगी पैकेजेस की डिटेल। अगर आपको और भी कुछ जानकारी पूछनी है तो आप मेरे से आइटनरी जो है वो फुल फ्लैश आइटनरी आप मेरे से मंगवा लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद में अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे बात करनी है तो फिर हम बात करके जो भी कुछ पॉइंट है उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं, मैं आपको समझा सकता हूँ कि और कोई जो भी आपके मन के अंदर शंका है उसको कैसे उसको सुलझाया जा सकता है, कैसे उसको फुलफिल किया जा सकता है। तो अगर आपको ये राइड बुक करना है तो आप बुक कर सकते हैं, नंबर आपके सामने है, फ़कीरा राइडर्स के साथ 2022 का सिग्नेचर एडवेंचर राइड। जो मेरा राजस्थान का राइड था वो डिस्टर्ब हो गया था मेरी जो हेल्थ थी उससे रिलेटेड, लेकिन उसके जो वीडियोस हैं वो 2-3 वीडियोस हैं, अगर आप चाहें तो मैं डाल दूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि वो वीडियोस मैं डालूं या रहने दूं, लेकिन वो वीडियोस शूट हुए थे, मैं हॉस्पिटल में था, ICU में गया, फिर उसके बाद में ट्रीटमेंट चला, तो उस चक्कर में मतलब डिले हो गए। एनीवे अब सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप मुझे बताइए आपको देखने हैं तो मैं डालूंगा, नहीं देखने हैं तो आप थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर आपको बहुत एक्सक्लूसिव बहुत अच्छे जो भी वीडियोज़ रहेंगे वो मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फ़कीरा राइडर्स। कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल, बी नेचुरल।